प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दोनों प्रकार की अरदास होती है साथ संगत जी, एक थियोरिटिकल एक प्रैक्टिकल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी अरदास थ्योरी वाली, प्रैक्टिकल नहीं। ध्यान से बात को समझना। भीलनी छबरी जिसे कहते हैं आप, राम जी का इंतजार करती है कि राम जी आएंगे। रोज अरदास करती है कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। अरदास करती है, खाली अरदास नहीं करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके लिए रोज आश्रम की सफाई करती है कि राम जी यहाँ से आएंगे। रोज फूलों की बरखा करती है, वहां पर रास्ते में फूल बिछाती है। रोज बेर तोड़ कर रखती है, रोज ताजे, अगले दिन फेंक देती है, दूसरे तोड़ के लाती है कि राम जी आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास कर रही है तो अरदास में उसे विश्वास है, उस विश्वास से वो बेर भी रोज तोड़ती है, फूल भी रोज बिछाती है, सफाई भी रोज करती है कि आएंगे। केवल अरदास करके बैठी नहीं रही कि जिस दिन आएंगे उस दिन मैं सफाई करूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझना, अरदास हम भी करते हैं और अरदास भगत नामदेव जी भी करते हैं, भगत धन्ना जी भी करते हैं। पीछे पड़ जाते हैं कि दूध पियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम होते तो क्या करते, 5 मिनट बोलते दूध पियो, नहीं पियो तो खुद पी के बाहर आ जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम यही करते हैं ना, 36 प्रकार के भोजन बनाते हैं, मुँह को लगाया, मूर्तियों को मैंने देखा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे यहाँ पर हमारे घर में भी बहुत लगता है, थाली लेके जाते हैं भाभी गुरु साहिब जी के कमरे में, बाद में सब बांट के खा लेते हैं हम लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दूसरे भगत धन्ना जी भी बैठे, भगत धन्ना जी बैठे हैं, वो नहीं उठ रहे, ना खा रहे हैं ना उठ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे पड़ गए भगवान के, कि तू पंडित जी से खा लेते हो, मेरे में क्या कमी है। पीछे ही पड़ गए, भगवान को आना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। बाबा नंद सिंह जी जब पहली बार दर्शन हुए, बाबा नंद सिंह जी साथ में राजा संसी वाले महापुरुष, शायद संत जवंत सिंह जी, राजा संसी वाले महापुरुष, जिनका एयरपोर्ट के दर्शन करने जाते हो आप गुरुद्वारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ में भक्ति करने लगे, साथ में, और आपस में बातें करते हैं। बाबा नंद सिंह जी स्टार्टिंग की अवस्था जब गुरु नानक के दर्शन नहीं हुए, क्या बातें करते हैं आपस में, कि सुना है कि उसको दर्शन दिए, उसको दर्शन दिए। हमारे पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, हमें क्यों नहीं गुरु नानक दर्शन दे सकते। प्रण कर लिया आपस में कि तब तक ना भोजन खाएंगे ना पानी पियेंगे जब तक गुरु नानक प्रत्यक्ष श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से प्रकट होकर दर्शन नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई पुरानी घटना नहीं है ये। अब अनंत सिंह जी, संत जवंत सिंह जी, सुबह दूध का भोग, दोपहर को, रात को, तीनों टाइम भोजन बनाकर गुरु साहब जी के आगे रखते हैं, अरदासें करते हैं, बेंतियां करते हैं, पाचा छको तभी हम खाएंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब अनंत सिंह जी इतनी भक्ति, संत जवंत सिंह जी कीर्तनीय, कीर्तन सुनाते हैं गुरु नानक को, दोनों बैठ कर अरदासें करते हैं। एक दिन, दूसरे दिन फिर भोजन, सुबह अलग शाम को अलग, ताजा बना के गुरु नानक पाशा के आगे के छको तो हम खाएंगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन इतिहास में लिखा है, पानी का बूंद भी अंदर नहीं गया, मरे होकर गिर पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेंतियां करते करते के मर जाएंगे पर तब तक नहीं खाएंगे जब तक गुरु नानक तू खुद नहीं खाता प्रकट होकर। गुरु नानक पाशा को प्रकट होना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से गुरु नानक पाशा प्रकट हुए, क्यों नहीं होंगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन क्या है, गुरु ग्रंथ जी माने हो परगट गुरा की दे, मानो हम कहां मानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो प्रभु को मिल बोझ है, मिलना चाहते हो प्रभु से खोज शब्द में ले, खोजना शब्द में है, पर मानो के दे है, दे जानकर सत्कार करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बातें नहीं की खाली, केवल बातें नहीं, प्रैक्टिकल किया उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम क्या करते हैं विचार, ये बार बार अपने भी विचार लाया करो कि हम क्या करते हैं। अरदास के ढंग है साध संगत जी,
ये ढंग है अरदास करनी आ जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अभी आएगी थोड़ी देर में बात कि अरदास जो है ना वो कर सकती है जो हमारी भक्ति नहीं कर सकती, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 100 जन्मों की भक्ति नहीं कर सकती, वो एक अरदास कर सकती है।